हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू मेड ग्लो विद पोम्पा में मैं पोम्पा आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक बार। आज मैं आ गई हूँ एरोमा मैजिक की सिल्वर फेशियल किट की रिव्यू लेके। ब्लॉसम कॉचर की ये जो एरोमा मैजिक किट है इसकी एमआरपी है 240 और इसमें 7 सैचेट मिलती है। ये है हमारी मॉडल और यहाँ पे मैंने कोई भी फिल्टर ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया है, ना तो मैंने स्किन को डार्क किया है ना तो मैंने लाइट किया है। और ये है हमारा फेशियल का स्टेप नंबर 1। इसमें जो है वो है क्लेंजिंग का पार्ट। ये क्लेंजिंग हमें एक जेल फॉर्म में मिलती है। पहले फेस को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है और उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे क्लेंजर को। इसको हमें करना है 3 से 4 मिनट तक अपने फेस में बहुत ही जेंटली मसाज करनी है। जब भी हम लोग क्लेंजिंग करेंगे तो नॉर्मली मसाज स्ट्रोक के साथ हम लोग क्लेंजिंग करेंगे। यहाँ पे और दूसरा कोई स्ट्रोक देने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली जेंटली हमें मसाज करनी है। मैंने पहले कहा है मैंने यहाँ पे कोई भी फिल्टर या मैंने स्किन को डार्क या लाइट नहीं किया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा कमेंट आता है आपने लाइट को फोकस किया है या आपने लाइट को कम किया है या ज़्यादा किया है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को फर्स्ट टाइम ये क्लैरिफिकेशन दे दिया है ताकि आप लोगों को कोई शक ना हो। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट का मसाज दे चुकी हूँ और अब बहुत अच्छे से फेस को क्लीन कर लेना है। अब बारी है स्टेप नंबर 2 की। तो यहाँ पे जो है स्टेप नंबर 2 और 3 को एक साथ मिक्स करके हमें फेस के ऊपर लगाना है। ये होती है प्रोटीन ब्लीच। बहुत लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि इस फेशियल के पहले क्या ब्लीच कर सकती हूँ या ब्लीच करना ज़रूरी है। प्लीज़ ब्लीच को अवॉइड करें, ब्लीच करने से स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। डे बाय डे ब्लीच को यूज़ करने के बाद हमारी स्किन काला पड़ सकता है, हमारे स्किन में डिजीज हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रोटीन ब्लीच का पाउडर और जेल था ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसको बहुत अच्छे से फेस में अप्लाई करना है जैसे हम लोग फेस पैक को अप्लाई करते हैं। तो यही हमारे नॉर्मली ब्लीच का काम करेगा और स्किन में स्क्रबिंग का भी काम करेगा। हमारे जो डेड सेल की लेयर है उसको हटा देंगे और उसके साथ हमारे स्किन में फ्रेश न्यू सेल की जो लेयर है वो आ जाएंगे। इसको हमें रखना होगा 15 मिनट तक। तो 15 मिनट हम इसको रख देंगे स्किन के ऊपर और उसके बाद हमें 2 से 3 मिनट इसको मसाज करके फिर रिमूव करनी होगी। और इस बीच में हम लोग कर लेंगे बैक मसाज। आप लोगों को अगर बैक मसाज देखना है तो मेरे चैनल में इसकी वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो मैंने पहले यहाँ पे स्क्रब लिया है, बैक में भी मैंने 2 से 3 मिनट स्क्रबिंग किया है। उसके बाद स्क्रब को बहुत अच्छे से रिमूव करने के बाद फिर क्रीम लेके हमको क्रीम से भी मसाज करनी है। फेशियल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है बैक मसाज करना, से भी हमारे टॉक्सिन रिलीज होते हैं। और बैक मसाज करते करते हमारा यहाँ पे 15 मिनट प्रोटीन ब्लीच को जो लगाया था वो कंप्लीट हो चुका है टाइम। अब हाथों में थोड़ा सा पानी लिया है और उसके बाद बहुत अच्छे से जेंटली इसको मसाज करके इसको भी वाइप आउट करना है। यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, आप लोग बोर ना हो जाए इसलिए। तो यहाँ पे मैंने प्रोटीन ब्लीच को 3 मिनट मसाज किया है, उसके बाद बहुत अच्छे से इसको भी वाइप आउट कर दिया है। अब बारी होती है स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 में हमें मिला है एक एम्पूल। ये देखिए ये कांच का एक एम्पूल आता है, इसमें होती है सीरम। अच्छा, किसी ने मुझे कमेंट करके बताया था कि इस एम्पूल को तोड़ते कैसे हैं, वो वीडियो प्लीज़ दिखाएं। तो ये रेड वाला जो हिस्सा है वहाँ पे थोड़ा सा मैंने हैमर कर लिया है, उसके बाद ऊपर पोर्शन में एक हैंकी से पकड़ के मैंने प्रेस किया है तो ये टूट गया है। तो इसके बाद देखिए इस सीरम को हमें पूरे फेस में अप्लाई करनी है और उसको 3 मिनट तक पूरे फेस में लगा के रखना है ताकि ये बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। इस एम्पूल को पूरे फेस में लगाने के बाद देखिए 2 से 3 मिनट के बाद ही पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है। और इस सीरम को अप्लाई करने के बाद हल्के हाथों से थोड़ा मसाज देके हम इसको बिठा देंगे अपने स्किन के ऊपर ताकि ये बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए, ये पूरा स्किन के साथ एब्जॉर्ब हो जाए। अब बारी आती है स्टेप नंबर 5। जो स्टेप नंबर 5 में हमें मिलेगा एक जेल। इस जेल को हमें 5 मिनट बहुत अच्छे से मसाज करनी है।
तो पहले हम लोग जनरल स्ट्रोक से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रेशर पॉइंट देंगे। हम नेक एरिया में भी मसाज करेंगे बहुत अच्छे से। आप लोग देखिए यहाँ पे मैं कैसे मसाज कर रही हूँ। जब तक इस 5 मिनट मसाज करती हूँ मैं, तब तक मेरी हमेशा की तरह आप लोगों के पास एक रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग आज मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा और एक लाइक करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों को यहाँ से अगर कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे मैंने कहा था, जनरल स्ट्रोक के साथ साथ हम लोग यहाँ पे प्रेशर पॉइंट भी दे रहे हैं। फोरहेड में हमें मसाज करनी है, आईब्रोज के दोनों साइड में मसाज करके आईब्रो के एंड में हमें प्रेशर पॉइंट को प्रेस करना है। आंखों के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए हमें फोरहेड में प्रेशर पॉइंट देनी है। बहुत अच्छे से आप लोग नोटिस कीजिए कैसे मैंने यहाँ पे मसाज दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है नंबर 6, इसमें है जेल। ये भी एक जेल है, इससे हमें मसाज करनी है 15 मिनट तक। लेकिन ये फेशियल जेल है, लेकिन ये फेशियल हाइड्रेशन बहुत अच्छे से देते हैं, पहले से ही मैं बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्रीम नहीं है तो इसमें हाइड्रेशन की कोई प्रॉब्लम होगी या ड्राई स्किन में नहीं जाएगा। तो बहुत अच्छे से इसको 15 मिनट तक मसाज हमको करनी है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे कैसे मैं यहाँ पे मसाज दे रही हूँ। जब भी हम लोग फेशियल करते हैं तो आप लिप में मसाज बहुत ज़रूरी होती है। तो स्किन को ऐसे पकड़ के दोनों हाथों से फेस को ऐसे लिफ्ट करानी है ताकि हमारी स्किन सैगिंग ना हो, हमारे स्किन में रिंकल्स ना आए। तो ऐसे ही आपको अपवर्ड मोशन में आपको मसाज देनी है। फिर हमारे जो उंगली होते हैं उसको मुट्ठी बना के, फिर उसके जो पीछे का हिस्सा है वहाँ से आपको ऐसे करके आपको मसाज देनी है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद नेक एरिया में भी आपको छोड़ना नहीं है, शोल्डर से लेके आपको नेक तक आपको ऐसे मसाज देनी है। इससे टॉक्सिन भी रिलीज होता है और एक बात होती है कि हमारे नेक एरिया में भी बहुत ज़्यादा टैन होती है, वहाँ पे भी सैगिंग होती है, तो वहाँ का टैन भी ख़त्म होता है। उसके साथ साथ हमारे सैगिंग भी नहीं होते स्किन में। तो यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे ये सारे थे अपलिफ्टमेंट मसाज। ये है प्रेशर पॉइंट जो हमने चिक में दिया है, फिर लिप्स के दोनों साइड में दिया है, फिर नोज़ के नीचे दिया है, आईब्रोज के साइड में दिया है एंड फोरहेड में दे के मिड ऑफ हेड में जाके हमने एंड किया है। ये मसाज भी देखिए, इससे भी हमारे स्किन जो होती है ये फर्म होती है, नोज़ के दोनों साइड से लेके आईज के बीचों बीच। तो यहाँ पे देखिए कैसे मैं यहाँ पे अपलिफ्टमेंट मसाज दे रही हूँ। फिर आपको टैपिंग करनी है। टैपिंग इसलिए ज़रूरी होती है, टैपिंग से हमारे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होती है और हमारे स्किन ग्लो करने लगते हैं। और नेक एरिया से लेके आपको अपवर्ड मोशन में मसाज करनी है और आईज के साइड में एक हाथ से थोड़ा सा लिफ्ट करके फिर दूसरे हाथों से आपको ऐसे पकड़ के आपको अपलिफ्टमेंट मसाज देनी है। इससे क्या होगी, स्किन में रिंकल्स कम होंगे या रिंकल्स नहीं आएंगे, स्किन आपके फर्म दिखेंगे, स्किन आपके बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगे। तो ऐसे हमें पूरे मसाज देनी है और उसके बाद फिर जनरल स्ट्रोक के साथ हमें एंड करनी है। फोरहेड में ऐसे आपको मसाज देनी है जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। मसाज हमने 15 मिनट कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने कोमोडोल लिया है और बहुत ही सावधानी से एक हाथ में हैंकी को पकड़ के दूसरे हाथों से हम कोमोडोल को पकड़ के ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को रिमूव करके अब हम वाइप करेंगे। उसके पहले हम जो सीरम लगाए थे उसको वाइप नहीं किया था, जेल लगाया था उसको वाइप नहीं किया था, लास्ट में इसका मसाज करके हमने वाइप आउट कर लिया है। अब स्टेप नंबर 7 की बारी है। स्टेप नंबर 7 में है एक पैक। पैक को हमने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और एक पैक ब्रश के मदद से हम पूरे फेस में बहुत अच्छे से पैक को अप्लाई कर देंगे।
ठीक है। और ये फेशियल जो है ऑल स्किन टाइप के लिए है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपके ऑयली स्किन है, पिंपल्स है आपके स्किन के ऊपर, तो आप लोग प्लीज़ इस फेशियल को मत कीजिएगा। आपके ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग की सेंसिटिव स्किन है तब भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फेशियल को यूज़ करने के बाद कोई भी रैश या कोई भी प्रॉब्लम स्किन में नहीं आया था। और पैक को पूरे फेस में अप्लाई करने के बाद नेक में भी अप्लाई करना मत भूलिएगा। और इस पैक को अप्लाई करने के बाद 10 टू 12 मिनट्स तक हमें छोड़ना है। जब पैक सेमी ड्राई हो जाए तो हाथ में थोड़ा सा पानी लेके फिर तो हल्के हाथों से थोड़ा सा पैक को गीला करके हमें इसको बहुत अच्छे से वाइप आउट करना है, स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन कर देना है। फेस को क्लीन करने के बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन आपको अप्लाई कर देनी है। आप लोग यहाँ पे मॉडल की फेस देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे आफ्टर फेशियल यहाँ पे लोटस का रिजुविना हब कॉम्प्लेक्स लगाया है। आप लोग मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोई भी फिल्टर का यूज़ नहीं किया है, कोई भी एक्स्ट्रा लाइट का यूज़ नहीं किया है। ग्लो कैसा आया है वो आप लोग कॉमेंट करके बताइए। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।